स्पेशल और रेल ठीक है, मैंने एक तरफ पढ़ा रखा तो मैं थोड़ा सा पास चाहिए जहां मुझे जरूरत पड़ेगी ठीक है, जहां जरूरत होगी वहां रुकवा दूंगा पेंशन और इस तरीके से कराऊंगा कि तुम्हें हर चीज समझ में ठीक है। एरर यहां से पता चल रहा गलती ठीक है, खामियां ठीक है, किसी तुमने कोई कैलकुलेशन की उसमें तुम्हारी कोई गलती आ गई कोई एरर हो तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, तो एरर समझ रहे हो। एरर क्या है, एक तो एक्यूरेट वैल्यू होगी ठीक है, एक तुम्हारी कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, इनकी डिफरेंस को ही क्या बोलेंगे एरर बोलेंगे। सपोज करो एक्यूरेट की वैल्यू जो आ रही थी वो 10 पॉइंट की आ रही थी, तुमने सॉल्व किया और तुम्हारी वैल्यू क्या आ गई 9.3 आ गई, तो एरर कितना आया तो तुम बोलोगे 0.5 का एरर आया। इन दोनों के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं ठीक है। तो एरर को डिनोट किससे किया जाता है, जैसे डेल्टा से, जहां पे डेल्टा दिखती इसका मतलब क्या है वो एरर ठीक है। अब एरर नॉर्मल कैसे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब कितना वैल्यू में चेंज है। दूसरा एरर में हम ये भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं कितने परसेंटेज का एरर है, तो वो अभी हम सारा सीखेंगे। पहले एक एरर की डेफिनेशन लिखो, बड़ा एरर की डेफिनेशन लिखो, the difference in the true value, the difference in the true value, the difference in the true value and the measured value and the measured value of a quantity is called error of measurement, अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर। एरर बहुत तरीके के हो सकते हैं, तो उनके टाइप्स की बात करते हैं। तो पहले हम टाइप के अगर बात करें तो हमारा सिस्टम में दिक्कत है, तो मतलब सिस्टम का कोई प्रॉब्लम है, जो भी डिवाइस वगैरह यूज कर रहे ठीक है उसमें कोई अगर डिवाइस को सेटअप करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी तरीके से, तो वो तुम्हारा क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक एरर कहलाता है ठीक है। रैंडम नाम से पता चल रहा है अचानक से कोई हुआ एरर, यानी सिस्टम सब कुछ सही ढंग से वर्क कर रहा था ठीक है, अचानक से कोई गड़बड़ होगी ठीक है, उसकी वजह से कोई एरर आ गया तो उनका कहेगा रैंडम एरर। इसकी डेफिनेशन तो आप पेपर में कभी पूछ ही नहीं लेंगे, तो रिलैक्स हो ठीक है। तो सिस्टमैटिक एरर में बहुत तरह के एरर हो सकते हैं ठीक है, जैसे इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर हो गए ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। अगर तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम है और उससे कोई एरर हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट एरर ठीक है। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट की टेक्निक है ठीक है, वो टेक्निक सही ढंग से तुम फॉलो नहीं कर रहे तो उसकी वजह से भी एरर आ सकता है, यानी एरर ड्यू टू इंपरफेक्शन, यानी कि तुम परफेक्ट नहीं हो फर्स्ट टाइम कर रहे हो और साइड एक्सेप्ट प्रोसीजर फॉलो नहीं किया तो वो भी एरर होगा ठीक है। तो नेक्स्ट एरर क्या हो सकता है, ड्यू टू इम्परफेक्शंस, क्या हो सकता है इम्परफेक्शन की वजह से एरर हो सकता है। नेक्स्ट कई विद्वान होते हैं स्पेशली फीमेल ठीक है, जिनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत गड़बड़ करती है ना, तो कुछ पर्सनल एरर भी हो सकता है ठीक है, यानी अगर सपोज करो मैथ सही नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो कुछ पर्सनल एरर भी कर सकते हो ठीक है, यानी कोई जो पर्सन उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है उसने कोई एरर कर कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह, तो वो क्या बनेगी पर्सनल एरर। क्या हो जाएगी पर्सनल एरर, ये जरूरी नहीं सिर्फ इवेंट में है बिल्कुल ठीक है। ये सारे एरर क्या है सिस्टम की वजह से हो रहे ठीक है, और कोई एरर एक्सटर्नल कॉज की वजह से, मतलब एक्सटर्नल कॉज, ये जस्ट थोड़ा सा मानस के लिए बता रहे हैं ताकि इसमें कोई खास ठीक है। नेक्स्ट एरर डिस्कस हो सकता है लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर उंट एरर होता क्या है, मतलब सपोज करो हमारे पास एक स्केल है जो तुम यूज करते हो बैंक ठीक है, उसकी काउंटिंग तुमने देखा होगा
जीरो यहाँ थोड़ा सा शो किया, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ वन रहता है, फिर टू रहता है, ऐसे थ्री और उनके बीच में बहुत सारे, ठीक है। अब तुम लाइन ड्रॉ करते हो, यहाँ जीरो से स्टार्ट करते हो, अब सपोज करो ये स्केल यहाँ से टू, मतलब एक नंबर से क्या होगा इसके टू ही है, ठीक है। अब उसी स्केल को तुम यूज करना चाहते, ठीक है, तो अब तुम्हें 5 सेंटीमीटर का, देखो ना 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना, तो तुम क्या करोगे, अगर जीरो से स्टार्ट करते तो 5 तक जा, ठीक है, लेकिन अब लाइन वहां से स्टार्ट होगी ए से, ठीक है, तो कहां तक जाओगे, 6 तक जाओगे, ठीक है, लेकिन क्या ये 6 सेंटीमीटर हो, नहीं, लाइन तो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर कैसे आएगा, जो स्टार्टिंग का जो पार्ट नहीं है, ठीक है, वो तुम्हें माइनस करना पड़ेगा, तो स्टार्टिंग की वैल्यू जो तुम माइनस करते हो वो सबसे कम रहती है, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, यानी कि जिस डिवाइस को तुम यूज कर रहे हो उसकी मिनिमम वैल्यू कितना वो कैलकुलेट कर सकते, स्केल का अलग होगा, ठीक है, वर्नियर कैलिपर यूज करके उसका अलग होगा, स्क्रीन वॉच यूज करके उसका अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट ऑफ सबका अलग होगा, लेकिन नाम समझिए, नाम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट, यानी कि वो डिवाइस कितना कम मेजर कर सकता है, तो इसका क्या कहलाएगा, लीस्ट काउंट। तो एप्रोप्रिएट वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, फाइनल वैल्यू में से लीस्ट काउंट को माइनस, ठीक है, तो वो लीस्ट काउंट अगर तुमने माइनस नहीं किया तो फिर एरर होगा, वो क्या कहलाएगा, लीस्ट काउंट, ठीक है। तो अच्छे से फटाफट इसके से हेडिंग हेडिंग लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जिससे तुम आइडेंटिफाई कर सको फाइनल रिजल्ट आने ग्रॉस, अगर सब क्रॉस करो ऑब्जर्वेशन तो आइडेंटिफाई हो जाए, वो क्या कहता है, ग्रॉस, ठीक है। तो ये हमारा कहना है, ठीक है। तो अभी तक जो एरर में पढ़ा था जस्ट थोड़ी नॉलेज पर आए, आप जो प्रॉब्लम में पढ़ेंगे वो पेपर के परफॉर्मेंस से, इसके बाद क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत परेशानी हो सिग्निफिकेंट के बारे में कुछ नहीं करना, तुम्हें उसके कुछ रूल्स है, ठीक है, जैसे कि दो नॉन जीरो के बीच में अगर कोई जीरो होता है तो फाउंड होगा, लेकिन अगर ऐसे लास्ट में आता है तो फाउंड नहीं होगा, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, इसे आपके बहुत अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, अगर नहीं समझ आता तो थोड़ी बहुत इसको बताओ, नेक्स्ट लिखो एडिंग एब्सोल्यूट एरर, सपोज करो तुम्हारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे ऐसा कुछ नंबर्स, ठीक है, तो इन नंबर्स ये नंबर है, अगर मैं तुम्हें इससे पूछूं कि इसकी एवरेज या मीन वैल्यू क्या होगी, अच्छा जो मीन वैल्यू होती है उसी को हम क्या मानते हैं, ट्रू वैल्यू, जो मीन वैल्यू होती है उसी को हम क्या मानते हैं, ट्रू वैल्यू मानते हैं, क्या एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें इसका मीन निकालने के लिए बोलूं तुम क्या करोगे, जितने भी होंगे उनको एड क्या करोगे, ठीक है, अगर एन टर्म्स है तो एन से डिवाइड कर दोगे, अगर पांच टर्म होते हैं तो पांच से डिवाइड, चार है तो चार से डिवाइड, तो ये हमारे क्या आता है, मीन आता है। तो मीन में बेसिकली हम क्या करते हैं, समीशन करते हैं, ठीक है, इस सिंबल को सिग्मा बोलते हैं या फिर समीशन का सिंबल होता है, इसका मतलब क्या होता है, जितने भी टर्म्स आएंगे उनको ऐड कर, ठीक है, अब कितने टर्म्स ऐड करना है तो वो हम कैसे लिखते हैं, आई की वैल्यू वन से लेके के तक, आई की वैल्यू वन से लेके के तक का एन का कितना चाहो एन में, ए आई का मतलब है कि यहाँ पर पहले आएगा वन फिर टू फिर थ्री फोर फाइव सिक्स, तीनों करने का तरीका, ठीक है,
और डिवाइड का जो है ना, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला सब में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो सिंपल इस तरीके से सब जितने भी टर्म्स होंगे उनको ऐड करना होगा, ऐसे डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो हमारा कोई मीन है, ठीक है, अब मीन से ये जो टर्म है, ये सिंगल टर्म है, मीन से इसका कितना एरर आ रहा है इसको बोलते हैं, समझो क्या कर रहा है, डेल्टा के वन का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन कॉस्ट, डेल्टा के वन का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन कॉस्ट, ठीक है। तो ये हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, मीन में से ए वन को माइनस कर देंगे, अगर मैं एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड टर्म फाइंड आउट करना चाहता हूं या फिर मीन माइनस कर, ठीक है, तो इस तरीके से सारी वैल्यूज, ठीक है, तो जितने भी वैल्यूज होंगे वो हम ऐसे ही फाइंड आउट, ठीक है, ये होता है एब्सोल्यूट एरर, मतलब ट्रू वैल्यू से वो पर्टिकुलर टर्म का कितना डिफरेंस है वही एरर क्या कहलाता है। डेल्टा के वन प्लस डेल्टा के टू प्लस डेल्टा के थ्री, ऐसे जितने ही टर्म होंगे डेल्टा के अपॉन में क्या करते हैं, अच्छा ध्यान दो, यहाँ पर ना इसको मोड में, मोड में लेने का मतलब क्या है कि ये अगर माइनस आता है तो भी हम कर लेंगे, ठीक है, प्लस आता है तो प्लस थ्री के लिए, माइनस आता है तो भी प्लस, ये मोड में, ठीक है, ये एब्सोल्यूट एरर सिग्निफिकेंट फिगर से भी एक क्वेश्चन तुम्हारे प्रश्न का पड़ता है, रूल अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद हम सीखते हैं रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर, नेक्स्ट हम क्या सीखते हैं, रिलेटिव एरर एंड फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर, देखो नाम से क्या पता है, रिलेट, तुम क्या कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो किसी चीज से, और फ्रैक्शन का भी मतलब सोच रहा है, रिलेशन जब भी करते हैं तो डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है, इसमें दो टर्म डिवाइड क्या होंगे, दो टर्म डिवाइड होंगे, रिलेटिव एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो तुम्हारा मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको मीन वैल्यू से डिवाइड कर दो, जो मीन एब्सोल्यूट एरर ये जो तुमने फाइंड आउट किया था उससे पहले मीन किया था, दोनों को डिवाइड कर दो तुम्हारे पास आ जाएगा रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या था, परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर में कुछ नहीं करते इनटू एरर, यही चीज रहती है, बस इसको क्या कर देते हैं इनटू परसेंटेज, ठीक है, उसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है।
ये क्वेश्चन इसके बाद आगे बढ़ते तो क्वेश्चन लिखो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज फाउंड टू हैव वैल्यूज 1.29 is found to have the values 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, and 1.3 ये सारी वैल्यूज आई। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, उसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो वाटर का आया वो सारी वैल्यूज वो वैल्यूज थी, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट कर लो, चलिए आगे लिखो
ठीक है, तो ये मैंने वैल्यू पांच से निकाला है, इसका फाइनल आंसर क्या होता है 1.3 होगा, ठीक है। लेकिन अब बात आती है अगर वो पांच के इक्वल, वहां तो पांच से ज्यादा थी, पांच से कम था, तो पांच के इक्वल हो तो यहाँ पे हमें देखना होता है कि तब और एनर्जी की है, क्या देखना पड़ता है, और इवन, अगर और है तब तो एक से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, यही वाला आ जाएगा नेक्स्ट टर्म का, एक से इंक्रीज हो जाएगी, और अगर इवन है तो लूज, सबको बराबर बन गई। जैसे 1.3 पांच है तो अगला टर्म क्या है, ऑड है, ऑड है तो क्या आ जाएगा, ठीक है, लेकिन मेरी फिर ऐसा होता 1.3 2 5 होगा, तो नेक्स्ट टर्म क्या है, इवन, तो कोई भी चेंज नहीं होगा 1.3 क्लियर है राउंड ऑफ, तो राउंड ऑफ को एक बार अच्छे से क्लियर किया साइन, ठीक है, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन की ठीक है, हमने मीन निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब समझो, देखो क्या होता है, एम माइनस ए वन होता है, क्या होता है, एम माइनस ए वन होता है, ठीक है, तो एम क्या 1.33 माइनस 1.29, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है 0.04 है, ठीक है, डेल्टा के ए टू निकालते हैं तो क्या करेंगे, एम माइनस ए टू आएगा 1.3 माइनस 1.3 उसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला टोटल 8 टर्म्स थी, तो यहाँ कितने टर्म्स जाओगे, 8 टर्म्स जाओगे, 8 से डिवाइड करोगे, और ध्यान दो यहाँ पर मोड है, मोड रहने का मतलब क्या है, मतलब माइनस वाली वैल्यू क्या होगी, प्लस 0.04 प्लस 0 प्लस में 0.01 हो जाएगी, यानी सारी वैल्यू प्लस हो गई। अच्छा एक चीज नोट करके लिखो कि एरर नेवर बी सबट्रैक्टेड, एरर नेवर बी सबट्रैक्टेड, एरर कभी भी सबट्रैक्ट नहीं होता, एरर हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। तुमने कोई गलती की, अगर दोबारा से और गलती की तो गलती बढ़ेगी, गलती कभी काम नहीं होती, ठीक है, तो एरर नेवर बी सबट्रैक्ट, ये दिख रहा है, एरर हमेशा ऐड ऑन होती, ठीक है, तो इसको जब ऐड करके 8 से डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट क्या आ रहा है, 0.02 इसको फटाफट नोट कर लो,
सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा 1.5%। अच्छा एरर को कभी भी देखते हैं ठीक है, प्लस माइनस के टर्म में लिखते हैं, यानी एरर ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे आगे प्लस माइनस, जब भी रिलेटिव एरर लिखते हो ठीक है तो उसके आगे तुम्हें प्लस माइनस करके लिखते और परसेंटेज के लिए लिखते ठीक है, क्योंकि एरर ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है ठीक है। जब यहाँ तक पढ़ा तो नोट कर लो, और यहाँ तक हमें किसी को दिक्कत पूछो है ये बस से पास तक है, ये कितने पास हो गए तीन नंबर। अब यही भी ये क्लास का है, इससे ज्यादा मेरे आराम से पास कर सकते हैं, और अभी कंपटीशन में बैठे तो चांस हो सकता है सेकंड का एक्सीम कर सकता है। अच्छा तो वो सिर्फ स्क्रिप्चर परसेंटेज और पीछे तभी की बात है, इससे मैथमेटिकल ऑपरेशन तो ये बाय वाला ऑपरेशन नहीं है, ये पार्ट नहीं है। जब भी मतलब प्रैक्टिकल ऑपरेशंस की बात हो मैं बोलता हूँ इसका मतलब क्या है, प्लस माइनस तो माइनस तो ये होता है ठीक है, तो ये क्या होता है एड होगा मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा ठीक है। तो उससे कुछ रूल्स समझते हैं और उन रूल्स को ना क्वेश्चन के व्याप में समझा ठीक है, तो तुम्हें अच्छा समझा ठीक है। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास दो लेग है ठीक है, तो लेग हम ले लेते हैं 45 प्लस माइनस 0.4 ठीक है, और दूसरी लेग पे जो है m2 ठीक है, ये जो है 20 प्लस माइनस 0.5 ठीक है। तो अगर तुमसे पूछा जाए दोनों लेग को ऐड कर दो, अगर तुमसे पूछा जाए लेकिन अगर इसी केस में सबट्रैक्ट करने के लिए बोलते हैं ठीक है, सबट्रैक्ट होगा देखो कैसे होगा, ट्रू वैल्यू के साथ हम माइनस करेंगे माइनस करने के लिए बोला गया कि सबट्रैक्ट करने के लिए हमेशा ऐड ही हो सकता है ठीक है, लेकिन ट्रू वैल्यू माइनस है माइनस प्लस, ट्रू वैल्यू को माइनस प्लस कर सकते हो, लेकिन एरर हमेशा ऐड होता है, और एक प्लस माइनस का मतलब क्या होता है कि 0.6 की वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है और 0.6 की कम भी हो सकती है। सर उस पर ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसको लोड करो ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ, इसको एरिया है, तुमसे एरिया पूछा है, एरिया का फॉर्मूला जानते हो, एरिया का फॉर्मूला तो अच्छे से जानते हो ठीक है। तो इसमें कैसे एरर कैलकुलेट करते हैं इस चीज को सीख लो, पहले हमने क्या लिखा एरिया में एरर लिखा और हमने ट्रू वैल्यू ऑफ लिखी, फिर हमने लेंथ में एरर लिखा और ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ, फिर प्लस करेंगे क्योंकि एरर कभी सबट्रैक्ट होता ही नहीं है ठीक
ठीक है, तो डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है, एरर हमेशा एड अप माइनस होता है, उसको हम एड अप माइनस, चलो इसको हम जब पूरा सॉल्व कर लेंगे तो लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे एरर देखो वही तरीका बता दो एरर को फाइंड आउट करने का ये तरीका, ठीक है। तो जब तुम एरिया फाइंड आउट करोगे, एरिया फाइंड आउट करोगे आप तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ही, 45 इनटू 20 करोगे ही, समझी। अब तो कहता है ये तो एरिया है, यदि एरिया में कुछ एरर आओ तो उस एरर को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो तरीका से। तो एक जगह पूरा 900 लिखो, डेल्टा एल की जगह पे लिखोगे 0.4 लिखोगे और एन की जगह पे लिखोगे 45 प्लस डेल्टा बी की जगह लिखोगे 0.2 और यहाँ पे 20। अब इससे सिंप्लीफाई कर दोगे तो तुम्हारा डेल्टा ए है, क्या है डेल्टा ए है। फाइनल आंसर कैसे होंगे, एरिया इक्वल टू जो भी वो 900 आया है प्लस माइनस उसके बाद ये वैल्यू है डेल्टा ए, क्लियर है। मतलब तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन कैसे करते, अच्छा सबट्रैक्शन और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सेम वैल्यू, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है अगर सपोज हमें यहाँ कोई क्वांटिटी एन बाई बी निकालना फॉर्म मल्टीप्लिकेशन का ना, यहाँ क्या डिवीजन है मल्टीप्लाई करो या डिविजन करो करो एरर की वैल्यू सेम आती है। बाकी अभी क्वेश्चन करो तो बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है, एक पावर वाले क्वेश्चन करते हैं उसके बाद तो बिल्कुल एरर का क्वेश्चन। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछो, जैसे यहाँ एरिया निकाला तो दोनों को मल्टीप्लाई किया था ना, तो यहाँ जब एक्स निकालोगे तो दोनों को डिवाइड करो, लेकिन एरर का स्टेप यही है, एरर का स्टेप यही रहेगा, एरर में कोई चीज नहीं आए, ठीक है। तुम्हें इंटरेस्टेड हो ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है सीबीएसई के पेपर प्लस प्लस तुम्हारे एंट्रेंस पर भी बहुत बार आया। अच्छा ये चीज कहाँ से आई है जिसको हम डिराइव कर सकते हैं कि एरर हमेशा किसी तरीके से कैसे फाइंड, बड़े तो तुम्हारे बात कर रही इस वजह से नहीं और तुम में से काफी इंटरेस्टिंग भी होंगे ऐसा काम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट परसेंटेज एरर, कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन द डिटरमिनेशन ऑफ, इन द डिटरमिनेशन ऑफ जी इक्वल टू 4 pi square एल अपॉन में एच सॉरी टी स्क्वायर, g equal to 4 pi square l upon the t square, then l and t measured with 2% error, मतलब प्लस माइनस 2% एरर इसमें लगता है और टाइम भी कितना है 3% ठीक है सर, कुछ नहीं बोल रहे थे एरर इस फैक्टर में, ठीक है। तो तुमसे जी में कितना एरर होगा ये फाइंड आउट, तो ध्यान दो एक चीज नोट कर लीजिए, कांस्टेंट नंबर हैव नो एरर, कॉन्स्टेंट एरर में
कोई कांस्टेंट नंबर में कोई एरर नहीं होता, ठीक है। कांस्टेंट नंबर का मतलब क्या है, एरर कांस्टेंट नंबर का मतलब क्या होगा, व्हाट टू गेट फ्रॉम दिस, यानी कि जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट हमें पता हो उसमें वैल्यू वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट नंबर कहलाएगा। ये कांस्टेंट नंबर भी दो तरीके के, एक टेंपरेरी कांस्टेंट और एक परमानेंट कांस्टेंट, वो मैं किस अलग से पढ़ा रहा हूं, कांस्टेंट सर से जी नहीं, जी की वैल्यू जी की वैल्यू सिर्फ अर्थ के सरफेस पे टाइम क्रिएट होती है, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओ या अर्थ के सरफेस से नीचे जाओ, ठीक है, जी की वैल्यू वैरी करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जी में एरर निकालेंगे, तो देखो एरर निकालने का तरीका क्या है, डेल्टा जी अपॉन जी करेंगे, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में कोई एरर होगा ही, अच्छा कौन सी वैल्यू, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.5, तो पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रॉक्स 3.5 लेंगे, ये तो मैं कभी कंपटीशन में बैठा हूं और कैलकुलेशन कर रहा हूं, ये तो मैं ध्यान से, ठीक है। तो यहां पर अगर हम एरर फाइंड आउट करें तो डेल्टा एरर का मतलब एस होगा प्लस डेल्टा ई अपॉन टी होगा, पर ध्यान देना जो पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई होती है, जब भी इसको हम एरर के फॉर्म में लिखते हैं तो किसी भी टर्म के अगर कोई पावर है तो वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है, सपोज करो यहाँ एल इक्वल होगा या थ्री मल्टीप्लाई होगा या रूट एल होगा, सपोज करो रूट एल होगा तो 1/2 से मल्टीप्लाई, जो भी पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है, ठीक है। लेकिन ये क्या बोल, ये तो रिलेटिव एरर हुआ या फिर बोलो फ्रैक्शनल एरर हुआ, बट हमसे जो परसेंटेज एरर तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये परसेंट आ गया, ठीक है, ये पूरा परसेंटेज एरर बन गया, परसेंटेज एरर बन गया, है ना, दोनों का 100 से, ठीक है। तो परसेंटेज एरर ऑलरेडी हमने दे रखा था 2%, लेंथ में 2% है, कोई एक क्वांटिटी है एक्स, और उसमें क्या देता है एक्स ए की पावर ए है, बी की पावर टू है और सी की पावर थ्री है और डी की पावर 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी और पावर क्या जगह 1/2, अब परसेंटेज अगर एरर निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई करो, ये परसेंटेज अगर इन डी होगा, ये परसेंटेज अगर इन सी होगा, ये परसेंटेज अगर इन डी होगा, ये परसेंटेज अगर इन डी होगा, ये परसेंटेज, अच्छा कई कलाकार बालक होंगे क्या करेंगे कि सर इसको ऐसे लिख देते हैं ए बी सी की पावर -3 नहीं लिखोगे, क्योंकि एरर नेवर बी सर, अब वो माइनस बी है क्वेश्चन में ही ऐसा दिया, क्वेश्चन में ही ऐसा दिया, तो तुम उसको नीचे करके पावर प्लस ही रखोगे, समझे, एरर क्योंकि कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो अच्छे से नोट कर लो, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, अदरवाइज आज की क्लास ओवर करें।